संघर्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बहुजन समाज के लिए किया, उत्थान के लिए किया, मान्यवर साहब काशीराम जी की और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो भीम आर्मी और युवाओं का ये दायित्व और ये कर्तव्य बनता है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचाना। इसलिए भीम आर्मी ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक जिले में बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन भीम आर्मी जोरों शोरों से मनाएगी। और इसीलिए आज हम लोग उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे हैं। और आज हम ये बहन जी के जन्मदिवस पर ये घोषणा करते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य कुल मिलाकर जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है उसमें बीएसपी की सरकार बनाने के लिए भीम आर्मी अब जोरों शोरों से पूरे युवाओं ने कमर कस ली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में आरक्षण का कुठारघात किया जा रहा है और राजस्थान में दलितों को मारा जा रहा है, अभी उत्तराखंड में एक नई घटना है जहां पर मंदिर में जाने से दलितों को पीट कर उसको मार दिया गया, तो ये घटनाएं जिस समय बीएसपी की सरकार आएगी उस समय ये घटनाएं बंद होगी। और जहां तक की सवाल है आरक्षण का और अधिकारों का, हम ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश के समाज से भी कि आ रहे हैं बहुत जल्दी और आंदोलन करेंगे। और हम वहां के जो बहुजन समाज है हमारा, जो पिछड़ा है, दलित है, जो मुस्लिम है और अन्य भी लोग जो संगठन से और पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि वोट को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। एक मुश्त होकर आप लोग अपनी बहुजनों की जो पार्टी बीएसपी है उसकी सरकार आप बनाइए तो सही। उत्तर प्रदेश में आपने शासन देखा है, उत्तर प्रदेश में जिस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री थी, तो हम आपको एक छोटी सी घटना से अवगत कराते हैं कि मजदूर किसानों ने बहन जी से ये अपील की थी, जो किसानों के जो वहां पर आंदोलनकारी थे आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, उन्हें कहा था कि बीएसपी कार्यालय पर जाकर कि मजदूर और किसानों का जो फसल का मुआवजा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि ये मजदूर किसानों की पार्टी है और इस समय हम मुख्यमंत्री हैं, तो आप तय करिए, खुद तय करिए। तो उस समय किसानों की फसल का मुआवजा लखनऊ से ही दुगुना कर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, जो मजदूर किसानों ने प्रदेश के तय किया था, उसको बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था आप तय कीजिए, हम उसको लागू करेंगे। और ये महेंद्र सिंह टिकैत जी अपने घर नहीं पहुंचे थे और उनके आने से पहले अगले दिन वो चीजें लागू हो गई थी, प्रेस में छप गई थी कि ये किसानों की जो फसल का मुआवजा वो दुगुना हो गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कभी मजदूर किसान का इन बहुजन मूवमेंट के लोगों ने कभी उत्पीड़न नहीं किया है, हमने सबकी बात की। और ओबीसी का और पिछड़ों का आरक्षण पूर्ण रूप से दिया गया है सरकार में, इसलिए हम चाहते हैं मध्य प्रदेश में आप लोग अपनी सरकार बनाएं और लड़ेंगे और जीते। जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी रहे हैं तो उन्होंने जन्मदिन के पुजट रहे हैं जी, तो आप अब फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो वो गठबंधन कर लिया। देखिए, मैं केवल बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि जो बहुजन समाज किसी वजह से वो बिखरा है, क्योंकि ये समय एक होने का है। हमारे पास पार्टी, कौन सी पार्टी आप बताइए, पूरा बहुजन समाज देखता है कि हमारे पास केवल एक ही पार्टी है, वो बीएसपी पार्टी है। और हम लोग एक मुस्त होकर उसमें जुड़े और काम करें, बाकी जो भी निर्णय आदरणीय बहन कुमारी मायावती का होगा उस पर मंजीत सिंह नोटियाल मजबूती से काम करेगा। आने वाले 2024 में आम चुनाव आज देखिए, आने वाले 2024 में हमारी तैयारी जोरों पर है, मैं इतना बता देना चाहता हूं। बाकी जो भी निर्णय होगा और बीएसपी आदरणीय बहन कुमारी मायावती का जो भी संदेश बहुजन समाज को और इस बहुजन मिशन के छोटे से कार्यकर्ता मंजीत सिंह नोटियाल को जो आदेश होगा उस पर मैं ईमानदारी से कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा और बहुजनों की सरकार अब की बार बनाएंगे और युवाओं ने कमर कस ली है। केंद्र में भी यूपी में उत्तराखंड में भाजपा, देखिए अब जिस प्रकार से धोखाधड़ी से बीजेपी के लोगों ने सत्ता हथियाई है, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देकर जिस प्रकार से उत्पीड़न किया है, 750 मजदूर किसान वो रोड पर उनको जो है ना शहीद होना पड़ा, तो हम वही कह रहे हैं कि बहुजन मिशन के लोगों ने कभी मजदूर किसान का उत्पीड़न नहीं किया। आप अपनी सरकार बनाइए ना, जिस सरकार में आपको फसल का मुआवजा दुगना मिला आप वो सरकार बनवाइए, हम देखते हैं कौन आपका अधिकार छीनता है। और इसके लिए हम लड़ेंगे, युवा पूरी तैयारी कर चुका है। पटवारी लेखपाल कांड हुआ जी, देखिए यदि कोई मामला बनता है, इस मामले की मैं बता दूं कि इस मामले की मुझे जानकारी नहीं है, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भी दलित और मुस्लिम को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अब एक बात बताइए, जो लोग उसके पीछे, क्या छोटा सा अधिकारी है, क्या छोटा सा अधिकारी पेपर को लीक कर सकता है? जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बड़े अधिकारी, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा?
यहाँ कमजोर देखकर कार्रवाई होती है तो आप लोग सब जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग जो बड़े अधिकारी हैं उनको उन पर कार्रवाई हो ताकि जिससे कि क्राइम रुक सके और धांधली रुक सके। धन्यवाद।